हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लौट आई हूँ मैं एक छोटा सा समर वेकेशन के बाद वापस यूट्यूब में। और अभी हम लोग हो गए हैं तैयार, तीनों, सुमेन, मैं और हिया। और वैसे तो है आज मंडे 7th of August, बट वीकडेज में ही हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अगर बाहर जाके काम करना वो कंप्लीट करे। तो जाना तो है मारुति शोरूम, जैसे कि मैंने टाइटल में लिख दिया है। और थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि इस तरह से मारुति हम लोग की गाड़ियों को रिकॉल कर रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ किस लिए रिकॉल किया है। 3-4 दिन से उन लोग मुझे कॉल कर रहे थे, बट वही सैटरडे संडे हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पब्लिक प्लेसेस में जाना, क्योंकि बहुत भीड़ रहता तो ही आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। 10:20, 10:25 तक हम लोग घर से निकल रहे हैं। आई होप 11:15 तक आराम से पहुँच जाएंगे। दूर तो है घर से थोड़ा, बट करना भी था ये काम। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। एंड आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हैं और खुश हैं। तो अभी मैं गाड़ी में सबसे आके पहले बैठ जाती हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का ओपन कार पार्किंग है ना, तो गर्मी में बहुत गाड़ी गर्म रहता है। और वैसे हिया और हबी के लिए ही नहीं, कोई भी मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं आज तक अपने साथ ले गई हूँ घूमने, सबके लिए ही मैं ये करती हूँ कि पहले आके ना गाड़ी को स्टार्ट कर लो, जिससे कि इनको थोड़ा ईजी रहे और इतना कहते हैं धधक तो वह गाड़ी में बैठना ना पड़े। तो वही पहले आके थोड़ा सा गाड़ी को सेट कर लेती हूँ, एसी ऑन कर, थोड़ा गाड़ी ठंडा हो जाता है, फिर इन लोग आते हैं तो चलते हैं। बट देखते हैं, होपफुली आज जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि एक के बाद काफ़ी सारा मुझे आज है थोड़ा निकलना। और वैसे मैं ये जितना वेकेशंस लेती हूँ बीच में यूट्यूब में, तो ज़्यादातर टाइम मेरा जाता है सोशलाइजिंग में, थोड़ा सा लोगों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना, घूमना। कुछ कुछ मैंने इस बीच इवेंट्स भी अटेंड किए, लाइक हम लोग के जो सोसाइटी है वहाँ पे स्विमिंग पूल के इनॉग्रेशन था, एक्वा जुम्बा था, तो इस तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट किया एक्वा जुम्बा जो था, उसमें कंपेयरिंग भी किया, फिर कुछ मीटअप्स भी अटेंड किया। तो आई थिंक इस तरह से हम सभी लेडीज़ को अपने आप को थोड़ा सोशलाइज भी करना चाहिए घर के और फैमिली के साथ, काम के साथ, क्योंकि अगर हम सिर्फ घर के काम या अपने ओनली अपना जो भी प्रोफेशनल वर्क है उसी रिलेटेड अगर काम करते रहना, तो एक मोनोटोनी भी आ जाता है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स आने लगता है खुद से ही। तो पॉजिटिविटी के लिए लोगों से मिलना ज़रूरी है, खासकर अपने फेलो और लेडीज़ के साथ, तो अच्छा भी लगता है, घूमना भी होता है, शॉपिंग भी होता है, एंड यू ट्राई इन्जॉइंग योर लाइफ। आई नो शायद मैं थोड़े से मिडिल एज में आ गई हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि कंपेरेटिवली हिया को अभी थोड़ा सा हबी संभाल भी पा रहे हैं, बट मेरे उम्र के जितने और भी हैं, आई थिंक उनके तो बड़े बच्चे हो ही गए, तो मोस्टली कॉलेजेस में हैं या फिर हाई स्कूल्स में हैं, तो टाइम थोड़ा मिल रहा है सबको, तो तभी पॉसिबल है। बट फिर भी कोशिश करना चाहिए अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने का एवरी डे, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक या दो बार ही निकालो, एवरी डे थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और हाँ, मैं तो इतने सालों तक मैंने प्रॉपरली ड्राइव नहीं किया था, इतने देर से आके ड्राइव कर रही, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप में से भी किसी को इंटरेस्ट होना कि हमें ड्राइविंग सीखना है, तो डू गिव इट अ ट्राई। और नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ऑलवेज बाय एन ऑटोमेटिक कार, तो हर तरफ से लाइफ ईजी सेट और बहुत इंडिपेंडेंट भी लगता है। तो अभी तक तो इन लोग पहुंचे नहीं, मेरी गाड़ी हो गई है ठंडी, बट देखते हैं कब तक आते हैं, होपफुली पहुंचने वाले होंगे। तो ये हमारी हिया मैडम और हबी आ रहे हैं, गाड़ी भी ठंडी हो गई है, तो इन लोग को भी थोड़ा कंफर्ट ही रहेगा बैठने में। मेरा सारा फैशन रिगार्डिंग चश्मा खत्म हो गया है, ये वाला मेरा एक हल्का पावर का एक चश्मा है, वो पहनना पड़ता है जिससे कि आप प्रॉपरली ठीक से ड्राइव कर सको। तो अभी कैमरा पकड़ाऊंगी हबी को, एंड आई एम ओवर टू ड्राइविंग। हमारे नई गाड़ी में इतना जल्दी कॉल बैक आ जाएगा, है ना? वी नेवर थॉट। नहीं, वो तो देखो, वो तो अच्छा हुआ ना, रिकॉल कर लिया, एटलीस्ट दे हैव आइडेंटिफाइड। हाँ, वही इसी साल का ही रिकॉल करना था। हम लोग इतना घूम चुके हैं इस गाड़ी को लेके विद फ्रेंड्स एंड ऑल, बट चलो अपनी गाड़ी में वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट ठीक है, उन लोग एक बार चेक करेंगे, आई थिंक वो पार्ट्स चेंज भी करेंगे, तो शायद इसलिए अच्छा ही होगा। और अपना पेट्रोल टैंक याद से बोलना है कि वो खुलता नहीं है अपने आप, है ना? तो वो भी ठीक कर दो अभी, अगली बार जब पेट्रोल फिल अप करें तो प्रॉब्लम ना हो। हिया,
शोरूम में बैठे हैं और गाड़ी में दे चुकी हूँ वर्कशॉप में। एक्चुअली जो स्टीयरिंग है मशीन के साथ जो स्टीयरिंग जॉइंट होता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है इस ईयर के मॉडल्स में, जिसको सारे इन्होंने रिकॉल किया है, उसको रिप्लेस करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ देम ओनली। बट मैं साथ में सोच रही थोड़ा बहुत जो मेरा पेंडिंग काम था 4 महीने से मैं करा नहीं पाई, वो भी अगर हो जाए, मेनली ब्यूटिफिकेशन और जिस तरह से अगर रस्ट ना लगे व्हील्स को तो वो भी, इसलिए फिर से आए हैं रोहन मोटर्स। नेक्स्ट टाइम यू वांट टू बाय आर्टिका, ये वाला ना, ये वाला तुमको अच्छा लग रहा है, बट अभी टाइम है, हार्डली 4 मंथ्स भी नहीं हुए गाड़ी खरीदे हुए, रुक जाओ और थोड़ा हाथ सेट हो जाए। मैंने इसलिए भी और बोल रही क्योंकि हम लोग ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे रास्ते में, एक रास्ता मैंने गलत लेफ्ट ले लिया तो पूरा दिल्ली घूम के आए हैं वापस, तो इसलिए आई थिंक कॉन्फिडेंस हो गया हो ना, दैट्स व्हाई यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस की चला लेगी सब जगह। बहुत ही स्मॉल पतली सी रोड जहाँ पे 2-way ट्रैफिक, उनमें से भी चला के आराम से आगे, गड्ढे भी थे, पेडेस्ट्रियंस, ऑटो, फिर ई रिक्शा सब थे, कोई नहीं अभी और कुछ साल चलाते हैं इसको, रुक जाओ और हाथ सेट कर ले, फिर नई गाड़ी या फिर 2 गाड़ी रखेंगे, एक बड़ा एक छोटा। कुछ शॉपिंग भी करेंगे खाने के साथ साथ, और तो अभी हम लोग आ गए हैं DLF मॉल और आके ही पहले गए हैं फ्रेश होने, हिया और मैं पहले हो गए थे और अभी पति देव, तो एज़ यूजुअल कितने भी महीने बाद आओ एक साथ, बट हम लोग का एक ही रिचुअल रहता है मॉल में आओ तो पहले खा लो फिर, बट हाँ मारुति में अभी गाड़ी देख के आए हैं तो 3-4 बजेगा, कुछ कुछ मैं उसको एक्सरसाइज भी करा रही हूँ और कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोटिंग भी करा रही हूँ तो वो भी दिखाऊंगी, बट पहले थोड़ा सा मॉल का एक नीचे का लुक देते हैं और फिर चलते खाने। अभी हम लोग फूड कोर्ट पे आए हैं, है ना हिया, वी आर सिटिंग इन द फूड कोर्ट। अभी हिया और मैं फिर हम लोग के फेवरेट जगह पर बैठ गए खाने और अभी एज यूजुअल गए हैं देखने, तो हर बार ये होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना आ जाता, तो मैंने जब बोला सिर्फ 2 प्लेट ऑर्डर करो, अगर लगे तो तीसरा करेंगे या फिर बाद में खाएंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं खा सकते। बड़े दिनों बाद नूडल्स, हिया वी आर हैविंग नूडल्स टुडे, लेट हो गया ना दीते उधर, तुम्हें भाग तक खाओ नूडल्स का ही रोटी टा खेलो, और गुलाब जामुन है वो तो मेरा है, दैट आई कांट शेयर। हाय फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, एक्चुअली कल हम लोग को गाड़ी मिलने में करीब 5 बज गए थे और 4 o'clock के बाद से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑफिस का ट्रैफिक रहता है, तो इतना ज़्यादा रश था कि फिर वीडियो बना ही नहीं और हम लोग टायर्ड बहुत हो गए थे, क्योंकि मैं खासकर ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, वर्कशॉप से कभी शोरूम के अंदर जा रही हूँ कभी शोरूम से वर्कशॉप में, तो इस तरह से गर्मी बहुत थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो टायर्ड बहुत हो गई थी, इसलिए कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है, बट मैं आज सोच रही थी कि आपको इस व्लॉग को एंड करने से पहले एक बार मेरी गाड़ी का नया लुक दिखा दूँ। थोड़े बहुत मैंने एक्सेसरीज लगाए हैं और उसी से ना काफ़ी अच्छा लुक आ गया है गाड़ी का, और मेन जो वो प्रॉब्लम था जिस वजह से मारुति ने रिकॉल किए थे ये सारे मॉडल्स उस ईयर का, जैसे लास्ट ईयर का जो मॉडल उनको इसलिए रिकॉल किया था मारुति ने, क्योंकि जो स्टीयरिंग का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे एक फॉल्ट मिल रहा था, जिस वजह से गाड़ी का मैन्यूवरिंग करना और गाड़ी का वहाँ से ब्रेक हो जाना, मतलब स्टीयरिंग के लास्ट पार्ट से ब्रेक हो जाने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इस वजह से उन लोगों ने अपने ही कॉस्ट पे सारा कुछ रिप्लेस किया है, इसलिए मेरे को तो बड़ा शॉकिंग तो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं न्यू ड्राइवर हूँ, अभी 4-5 महीने से मैं प्रॉपरली ड्राइव कर रही हूँ, अगर बाय चांस मैं भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करती तो मुश्किल होता, तो लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, शायद मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम होता भी नहीं, बट एनी हाउ सेफ रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए गए थे हम लोग ये सब करने। तो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी, बट उसके पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरे गाड़ी के भी नया लुक कैसा है, तो आप लोग भी देखिए और बताना आपको कैसा लगा। तो ये आ गई मैं गाड़ी के पास, तो ये जो ब्रैकेट से वो तो पहले से लगा था, बट कल लगाया है ये क्रोम विंडोज पे, ये जो क्रोम ये लगाया है, और ये सामने सिर्फ पहले ये मारुति का साइन था, अभी ये 2 और रिंग ये भी कंप्लीट कर दिया, तो ये भी कल लगा है, और ये जो चीज़ है
इसको भी कल लगाया गया है। तो ये तीन चीज और साथ में जो स्टीयरिंग का काम वो भी किया है, और ये है कोटिंग। ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग देख रहे हो, ये पूरे बॉडी में किया गया नीचे से, और यह चक्के के ऊपर का एरिया। तो इससे रस्ट नहीं होता है नीचे, इसलिए ये बोल रहे थे ये लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है। इस तरह से गाड़ी अभी साइड से ऐसे थोड़ा सा और अच्छा सा लग रहा है विद द क्रोम फिनिश। चलिए करेंगे फिर आज का व्लॉग एंड, और जा रही हूँ अभी कुछ फ्रेंड्स से मिलने, तो मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू सून। अभी मेरा ये कह सकते हैं न्यू फाउंड लव इज माय कार।